motion. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 है आई गेस, है ना। तो न्यूटन का है ये भाई साहब। तो पहले तो मुझे ये बताइए फोर्स होता क्या है। बेसिकली फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है। अब चेंज हो ना हो वो बात की बात है, लिखिए इस बात को। अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। अ फोर्स, आज का लेक्चर बहुत इजी रहेगा, इसमें कुछ लिखवाना न्यूमेरिकल नहीं करवाना, इजी इजी चीजें। अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज और ट्राइज टू चेंज। tries to change position और आप ये समझिए, जरूरी नहीं है कि फोर्स किसी की पोजीशन ही चेंज कर पाए। इसको देखिए, मैं इस पर फोर्स लगा करके इसको ऐसा कर सकता हूं, तो ये मैंने क्या करा, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है। जैसे ये पहले थी उससे मैंने इसको डीकॉन्फ़िगर कर दिया है। तो फोर्स पोजीशन ही चेंज नहीं करने की कोशिश करता, इवन उसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करने की कोशिश कर सकता है। देखिए, अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक चीज है, फोर्स की डेफिनेशन है, जो आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब न्यूटन का पता है आपको, न्यूटन ने मोशन की इक्वेशंस दी थी, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s। ये मोशन की इक्वेशन थी। अब न्यूटन ने लॉज दिए, मोशन के लॉ, इस पर पूरी मैकेनिक्स कंप्लीट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि चलते चलते यूं ही नहीं रुक पाता हूं मैं, यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल ट्राई टू रिमेन इट्स मोशन अंटिल अनलेस इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। सिंपल लिखिए इस बार, कोई भी बॉडी अपने आप नहीं रुकती लाइफ में, है ना, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर एक अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, बिग बैंग के टाइम से घूम रही है, आज तक उसको किसी ने रोका नहीं है, क्लियर। जिस दिन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं, वहां कौन लगाने आएगा, सुपरमैन जाता नहीं आजकल वहां पे कोरोना की वजह से। लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन इट्स पोजिशन, अ बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन इट्स इनिशियल पोजिशन। ब्रैकेट में लिखना मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, मे बी एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल एंड अनलेस इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये लॉ आपसे कोई नहीं लिखवा रहा, 10th क्लास का पेपर देने नहीं जा रहे हैं आप, ठीक है ना, ध्यान समझ, चीज से समझना। तो ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ, यहां से न्यूटन ने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी कि हर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो चलता है तो वो रुकने की आदत में नहीं है, और रुका है तो चलने की आदत में नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की न चाहत है, अब न चाहत का मतलब अनविलिंगनेस, एक बॉडी है रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है, वो चलना ही नहीं चाहती, ये उसकी ना चाहत है, अनविलिंगनेस है। अगर वो चल रही है तो चलती ही रहना चाहेगी, रुकेगी नहीं, ये भी अनविलिंगनेस है। इस अनविलिंगनेस को जिस फिजिकल क्वांटिटी से बताया गया, वो फिजिकल क्वांटिटी है इनर्शिया। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? कि अनविलिंगनेस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन।
तो यहां से आप एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखिए, हेडिंग डालिए इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से उसने इनर्शिया डिफाइन करा। इनर्शिया क्या है लिखिए, इट इज अनविलिंगनेस ऑफ ए बॉडी, इट इज अनविलिंगनेस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन ठीक है। और इसमें लिखे इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन मास। अब इसमें भी देखो मास पे कैसे डिपेंड करता है, इनर्शिया और मास दोनों एक ही चीज है। हम इवन मास को हम इनर्शियल मास भी कह देते हैं फिजिक्स में। अगर 10 किलो की बॉडी रखी है तो मैं फोर्स करके हो सकता है उसको मूव करा दूं, लेकिन 500 किलो की है तो मैं मूव नहीं करा पाऊंगा। वजह है उसका इनर्शिया। 100 किलो की 10 किलो की बॉडी में इनर्शिया कम है और 500 किलो की बॉडी में इनर्शिया ज्यादा है। जितना मास उतना इनर्शिया, और उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हाँ तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, हो गया। तीन टाइप का इनर्शिया, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ सब, इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको लिखना पड़ेगा तो देख लेना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, सपोज करो आप एक चलती हुई बस पे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी बस के साथ आगे जा रही है। अब आप बस से कूद जाते हो, अब जैसे आप जमीन पर टच करोगे तो आपका पैर रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, क्लियर। लेकिन आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अभी भी मोशन में ही है, इसीलिए आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ये क्यों हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो आपकी नीचे वाली बॉडी पे था। आप बस में हो, एकदम से ब्रेक लगता है, अब बस आगे जा रही है 50 की स्पीड से, आपकी पूरी बॉडी 50 की स्पीड से जा रही है, बस रुकी, बस के साथ उसकी जो सीट्स थी वो भी रुक गई, सीट के कांटेक्ट में आपकी बॉडी थी वो भी रुक गई, लेकिन जो बॉडी सीट से अलग थी वो नहीं रुक पाई। तो जैसे ब्रेक लगेगा आपकी आगे वाली बॉडी बस के साथ आगे जाएगी और आप ऐसे हो जाओगे, इसीलिए आप सीट बेल्ट बांध लेते हो या किसी को पकड़ लेते हो या ऊपर पकड़ लेते हो ताकि वो रुक जाए। इवन ट्रेन में से चलती ट्रेन से अगर आपको कभी कूदना पड़ जाए, मैं कई बार कूदा हूं, मैं आपको बता देता हूं कैसे कूदना होता है। उसमें क्या है कि ट्रेन अगर चल रही है तो पहले तो ट्रेन अगर इधर जा रही है तो आपका मुंह इधर होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ज्यादा स्पीड से मत कूद जाना उसमें, फिर तो भी मरोगे। तो अगर इतना पॉसिबल है कि अब ट्रेन जा रही है, आपकी पूरी बॉडी मोशन में है ना, अब सोचो अगर आप ऐसे, या तो कूदना है तो यहां से सीधे बाहर की तरफ कूद जाओ, बाहर की तरफ कूदोगे तो आप थोड़ा सा आगे तक जाओगे, जिंदा बचोगे, ठीक है। बट ये कूदते ही आप ट्रेन के साथ आगे की तरफ दौड़ना चालू कीजिए ताकि आपकी बॉडी ट्रेन की स्पीड से मैच करेगी, ये होता है। तो ये चीजें, इवन आप सोचो डायरेक्शन वाला इनर्शिया बताता हूं, अगर एक बस है, बस ऐसे शार्प टर्न लेती है, अब बस ऐसे घूमती है, तो जब बस ऐसे जा रही है तो मेरी बॉडी ऐसे जा रही थी, बस घूम गई, सीट घूम गई, सीट के कांटेक्ट में मेरा लोअर पार्ट है वो भी घूम गया, बट मेरी ऊपर वाली बॉडी को किसने बताया नहीं कि भाई साहब घूमना है, तो वो तो सीधा उधर जाएगी। तो जब मैं घूमूंगा तो मुझे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, यह है डायरेक्शन का इनर्शिया। ये चीजें, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़े होंगे कि एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसके ऊपर सिक्का रख दिया, कार्डबोर्ड को मारा तो सिक्का नीचे गिर गया, कार्डबोर्ड के साथ क्यों नहीं गया, एक्सप्लेन करो। तुम कह देंगे कि मारा कार्डबोर्ड के साथ, तो कार्डबोर्ड जाएगा ना यार, कार्डबोर्ड तो चला गया बट इसको थोड़ा ना मारा है, तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, इनर्शिया रहेगा इसका, और इनर्शिया की वजह से अपनी जगह आ जाएगा। ये धूल मिट्टी सब साफ करते हैं खोद खोद करके, वो सारे एग्जांपल्स आपके थ्योरेटिकल है। अगला लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिखना रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ मोशन का यही सबसे रियल लॉ है। अच्छा, मोशन के सेकेंड लॉ को रियल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंड लॉ अगर आपको आता है
तो आप उससे फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हो, थर्ड लॉ भी निकाल सकते हो, इसलिए इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या कहता है, लिखिए इसको, दिस लॉ डिफाइंस फोर्स। यहां से फोर्स की डेफिनेशन हमें पता लगेगी। दिस लॉ डिफाइंस फोर्स, पहला पॉइंट। क्या कहता है ये लॉ, लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the net is equal to the net force on the object। फर्स्ट लॉ जब उसने बताया तो उसने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी, दैट वाज इनर्शिया। उसने कहा कि जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, रुका है तो रुका है, चल रहा है तो चल रहा है, डायरेक्शन का भी अपना इनर्शिया है। सेकंड लॉ जब उसने डिफाइन करा तो उसने फोर्स को बताया। फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन ने इसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करा, उसने बोला कि फोर्स बेसिकली मोमेंटम में चेंज करता है। सुनना, अगर मुझे मेरे पे लगने वाला फोर्स निकालना है तो मेरा मोमेंटम में चेंज निकालिए, खत्म, किसी और का नहीं। ये बड़ी चीज है, किसका मोमेंटम में चेंज, मेरा। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसके मोमेंटम में चेंज निकालिए तो उस पे लगने वाला फोर्स निकलेगा, सिंपल सी बात है, क्लियर। यहां पे उसने जो फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी दैट वाज मोमेंटम, है निकालिए मोमेंटम। अब ये समझिए कि एक रिक्शा वाला है जो 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है और एक ट्रक है जो 10 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, मैं किसको हाथ लगा के रोक दूंगा, ट्रक को, सुपरमैन है तेरा भाई, ऑफकोर्स रिक्शे वाले को रोक दूंगा। क्यों, क्या फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो दिक्कत कर गई, दोनों की स्पीड तो सेम है यार, दोनों को रोक देना चाहिए, मास ज्यादा। अच्छा, मास क्लियर, क्लियर मास, ओके ओके ठीक है। अगला एग्जांपल, एक 10 ग्राम की गोली है बंदूक की, ठीक है, वो आ रही है 125 की स्पीड से, ठीक है, और एक 2 किलो का पत्थर है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आप किसको रोक दूंगा, मास नहीं मोमेंटम, पत्थर, अब पत्थर बोल दिया तुमने, या तो तुम एक जगह टिक लो, या तो मास बोलो या वेलोसिटी बोलो, अब समझ रहे हो आप। तो ये सिर्फ मास के अकेले का काम नहीं है, पहले वाले में आपने मास बोल दिया क्योंकि स्पीड सेम थी, दूसरे वाले में आप बोल रहे हो कि भाई साहब आप सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर सकते, स्पीड भी मैटर कर रही है, बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है। दो चीजें मिलाकर के आपको यहां पर बता रहे हैं, एक मास और एक वेलोसिटी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो हम कहेंगे कि पहले वाले केस में ट्रक का मोमेंटम ज्यादा था, सेकेंड वाले केस में बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है, मास इंटू वेलोसिटी दोनों को मिलाकर के। तो बेसिकली मोमेंटम क्या सिग्निफाई करता है, मोमेंटम यह सिग्निफाई करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी है मोशन का, जिसमें ज्यादा मोशन है उसको आप नहीं रोक पाओगे, जिसका कम मोशन है, मोशन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि किस स्पीड से जा रहा है, नहीं, मास इंटू वेलोसिटी, लिखिए इस बात को, द फिजिकल क्वांटिटी विच सिग्निफाइज, द फिजिकल क्वांटिटी विच सिग्निफाइज the quantity of motion is called its momentum। a momentum एक vector quantity है और यह रहा इसका formula, mass into velocity, लिख लीजिए, unit किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अभी तो फुद्दू वाली बात होगी। अब एक force का formula derive करते हैं, ठीक है, deriving the formula of force। आइए सपोज कीजिए एक m मास का ऑब्जेक्ट था जो v1 वेलोसिटी से जा रहा था,
इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा एफ, जिससे इसका मास तो नहीं बदला बट इसकी वेलोसिटी बदल गई और इसमें टाइम लगा टी। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है? न्यूटन का लॉ कहता है कि फोर्स अगर आपको निकालना है तो आपको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो यह है m इंटू वी वन, ये इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम निकालूं तो m इंटू वी टू, तो चेंज इन मोमेंटम निकालूं यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल यानी कि m v2 माइनस m v1। अगर मैं निकालूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t यानी कि m v2 माइनस v1 अपॉन t। अब आप देखिए न्यूटन ने क्या कमाल करा। हेयर v2 माइनस v1 अपॉन t ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता ना एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज m इंटू a, और न्यूटन ने बोला ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है इसी को न्यूटन क्या बोलता है, फोर्स। तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, लिख लीजिए इसको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए अ ब्लॉक ऑफ मेटल, अ ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ 2 किलोग्राम A block of metal of 2 kilogram is resting on a frictionless surface. Is resting on a frictionless surface. Full stop. It is struck by a jet of releasing water, struck by a jet of releasing water at the rate of 1 kilogram per second at a speed of At a speed of 5 meters per second. Calculate initial acceleration of the block. मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यह कहता है कि मेटल का ब्लॉक है, कितने किलो का, 2 किलो का। यह मान लीजिए मेटल का एक ब्लॉक है 2 किलो का, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इस पर आपने पानी की बौछार डालनी शुरू कर दी है। इस तरह से कितना पानी निकल रहा है, 1 किलो पानी पर सेकेंड किस स्पीड से टकरा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ट्राई कीजिए एक बार, लगाओ देखो जितना पड़ा है उस बेस पे। एक्सेलरेशन पूछा है, किसका पूछा है, उसका किसका, ब्लॉक का। तो ब्लॉक का मास आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है, तो आपको पता है इसका एक ही फॉर्मूला हो सकता है। मास आपको दे दिया 2, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, क्या मैं अगर एफ निकाल दूं तो मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर मैं फोर्स निकाल दूं कि 10 है फोर्स, तो सिंपली मेरा एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा। यानी कि अब मेरे पास दिमाग में यह आया कि मुझे फोर्स निकालना है। क्लियर, न्यूटन ने फोर्स का क्या बोला था कि फोर्स कैसे निकलता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
यही था ना सेकंड लॉ, कि किसी भी बॉडी का अगर आपको फोर्स निकालना है तो उसका निकालना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम निकालो पहले और उसको टाइम से डिवाइड करो तो आपका फोर्स आ जाएगा। अब मोमेंटम में चेंज कैसे निकालें? अगर मैं बात करूं कि पर सेकंड, यानी कि टाइम को मैंने मान लिया एक सेकंड, एक सेकंड के अंदर मोमेंटम में कितना चेंज होता है? चेंज, चेंज हमेशा निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है ये हमें निकालना है और इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है, तो ये तो हो गया मेरे पास जीरो। तो यानी कि फाइनल मोमेंटम मुझे निकालना है। क्या मेरे पास इसकी स्पीड है? नहीं है। ये किसका मोमेंटम निकाल रहे हो आप? ब्लॉक का। तो ब्लॉक का मास इनटू ब्लॉक की स्पीड, क्या ब्लॉक की स्पीड है आपके पास? नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन यहां से तो आगे नहीं बढ़ रहा, क्लियर? लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने इस बोर्ड को 10 न्यूटन से मारा है तो बोर्ड ने मुझे कितने से मारा है? 10 से। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं। तो मेरे पास दिमाग में जो आया कि यार मैं इस पे लगने वाला फोर्स तो नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन क्या मैं पानी पर ये ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है क्या वो निकाल दूं? भाई पानी ने ब्लॉक को 10 न्यूटन से मारा, तो ब्लॉक ने पानी को किस न्यूटन से मारा होगा? 10 से। तो मैंने पाला चेंज कर दिया, मैं अब निकालना चाहता हूं फोर्स ऑन वॉटर बाय ब्लॉक, क्लियर? मैंने कहा कैसे निकालेंगे? मैंने कहा वैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। पर सेकंड की बात करें, अब मोमेंटम में चेंज निकालना है, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ पानी और इनिशियल मोमेंटम ऑफ पानी। जब मैं एक सेकंड की बात कर रहा हूं तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना पानी आ रहा है? 1 किलो एक सेकंड में। तो मास हो गया मेरे पास 1 किलो। टकराने के बाद में पानी की स्पीड कितनी है? ऐसे करके ऐसे गिर गया, यानी कि वेलोसिटी हो गई 0। टकरा के तो रुकेगा ना, अब मैं यहां से भागूंगा तो टकरा के तो रुकूंगा ना, तो टक्कर के बाद में मेरी स्पीड हो गई 0। मास कितना? 1 किलो। टकराने से पहले पानी की स्पीड कितनी है? 5 मीटर। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया मेरे पास, ये रहा। अब मेरे को फोर्स निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम कितना माना है मैंने? 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरे पास -5/1, यानी कि -5 न्यूटन का फोर्स ऑन वॉटर इज 5 न्यूटन। किसे? माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वेक्टर क्वांटिटी में लगने वाला माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो इतना तो मुझे पता लग गया कि ये ब्लॉक इस पानी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो ब्लॉक इस ब्लॉक पे कितना लगेगा? 5 न्यूटन, बोलो। सो ब्लॉक विल एक्सपीरियंस 5 न्यूटन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। आ गया ब्लॉक पे फोर्स 5 न्यूटन, तो ब्लॉक पे फोर्स आ गया 5 न्यूटन। ब्लॉक का मास, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5। मास कितना है इसका? 2। एक्सेलरेशन कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिकल है, जैसा जैसा मेरे दिमाग ने मुझे बताया और जैसा जैसा डेटा था मैंने वैसा करता गया। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में बोल रहा है ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। मैंने ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकलेगा F=ma, है ये क्या है? ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स, ब्लॉक का मास और ब्लॉक का एक्सेलरेशन। पर ब्लॉक का मास मेरे पास था, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, फोर्स मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं।
तो न्यूटन बाबा आए मेरे दिमाग में, उन्होंने बोला कि ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स, ध्यान से देखिए इधर, एफ क्या है, फोर्स, कौन सा फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा है, डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम में चेंज, किसका, ब्लॉक का। यही चीज समझनी है, फॉर्मूला याद करना बड़ी बात नहीं है, एफ इज इक्वल टू एम ए। आप मुझे बताइए एफ क्या है, कि फोर्स कौन सा फोर्स, किसका फोर्स, किस पर लग रहा है, एम मास, किसका मास, ए किसका एक्सेलरेशन। जब ये चीजें पता लगेंगी फिजिक्स में तब आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ये एफ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी न्यूटन का सेकंड लॉ है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। पढ़ के देखिए, मैंने अच्छे अच्छे शब्दों में लिखाया है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। मैंने लिखाया है कि दिस डिफाइन द फोर्स, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज, इस नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। दोनों चीजों को देखो एक बार ध्यान से, मोमेंटम में चेंज किसका, ऑब्जेक्ट का, फोर्स किस पर, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स निकालना है तो ऑब्जेक्ट में मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने ठीक है निकालते हैं, एक सेकेंड के अंदर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, m into v final, m into v initial, initial में रुका हुआ था, मैंने कहा जीरो, बट फाइनल स्पीड मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स ब्लॉक के मोमेंटम में चेंज करके नहीं निकाल पाया, मैंने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स निकालना है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ सामने आया कि भाई अगर इस पे लगने वाला फोर्स नहीं निकाल पा रहे आप, तो पानी पे लगने वाला फोर्स निकाल दो, सीधी सी बात है। तो पानी पे लगने वाला फोर्स जो होगा उतना ही फोर्स पानी उस पर लगाएगा, तो मैंने बदल दिया, फोर्स ऑन वाटर बाय ब्लॉक कर दिया। तो अब ये क्या है, फोर्स ऑन वाटर, चेंजिंग मोमेंटम किसका, पानी का। तो पानी पे लगने वाला फोर्स, पानी का मोमेंटम और टाइम, बस टाइम एक सेकेंड, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल, इनिशियल तो यह 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था इसलिए स्पीड आ गई, मास एक, और फाइनल स्पीड, टकराने के बाद तो ये रुक गया होगा, इसने बोला है कि वापस आ रहा है किसी स्पीड से, 5 मीटर स्पीड से वापस आ गया, नहीं बोला तो मानेगी नहीं। तो मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, किसका, पानी का, उसकी वैल्यू यहां रख दी टाइम, तो मेरे पास 5 मीटर का फोर्स आ गया, किस पर, पानी पर। तो पानी ने ब्लॉक पे कितना लगाया होगा, सेम 5 मीटर, निकल गया ब्लॉक का फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम से कर दिया, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा आज तक का, अभी कोई नहीं चला है, आप लोग पिछले वाले चैप्टर में वर्कआउट कर सकते हैं, इसके नोट्स में भेज दूंगा, थ्योरी वाले जितने भी फालतू फालतू थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में, कोई बात है तो बोलिए, वरना मैं क्लास खत्म करता हूँ।